तो तीन लाइट है नॉर्मल यहाँ पे, अब तो यहाँ पे रुकना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। ट्रैफिक सिग्नल बहुत सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग पूछा था और फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक इट। स्टार्टिंग में ही बोल दें, ओके सो लेट स्टार्ट विथ ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है। तो बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा कि ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है। एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन होता है जिसमें तीन कलर के लाइट्स होते हैं, रेड, येलो और आप ग्रीन बोल सकते हो। येलो को कभी कभी लोग ऑरेंज भी बोलते थे क्योंकि वो वैसा ही सिमिलर टाइप ऑफ दिखता है, डिपेंड्स ऑन यू। मोस्टली वो येलो कलर का होता है। तो इन सब कलर का और इन सब लाइट का एक मीनिंग होता है जो मैं आपको थोड़ा टाइम में बताऊंगा। पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो ये चौराहे पे होता है जहाँ पे चार रास्ते मैच होते हैं, यानी कि सामने से आने वाला ट्रैफिक, लेफ्ट साइड से आने वाला ट्रैफिक, राइट साइड से आने वाला ट्रैफिक और जो ट्रैफिक में हम लोग चल रहे हैं। वैसे ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीन रास्ते पर भी हो सकता है और ये कभी कभी दो रास्ते पर भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, ट्रैफिक सिग्नल हर जगह पर हो सकता है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक हो या फिर जहाँ पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का जरूरत पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाईवे आपके सामने से निकल रहा है और आपको सिर्फ क्रॉस करके सामने जाना है, तो उस सिनेरियो में भी ट्रैफिक सिग्नल का यूज हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल के बहुत सारे यूज़ है, फ़ायदे हैं और बहुत सारे लोग उन चीज़ को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो इस रिगार्डिंग में मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या होता है। आपको सीधे बस ग्रीन लाइन है मतलब आपको निकलना है, आपको आगे जाना है, आप जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर कोई बंदा लेफ्ट साइड या राइट साइड से आपके बीच में आके बाइक, कार या कुछ भी डाल देता है तो वो रॉन्ग है, आप उससे फाइट कर सकते हो क्योंकि आपका बत्ती ग्रीन है तो आप जा सकते हो आगे। अगर आपका यही सेम चीज़ येलो है तो उसके रिगार्डिंग मैं इसके बाद बताऊंगा। और उसके बाद आता है रेड। रेड मतलब ऑफ कोर्स आप स्टॉप हो, आपको आगे नहीं जाना है और उसमें भी एक रेड होता है जिसका मतलब एक अलग होता है, पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि रेड का मतलब ये है कि आपको स्टॉप होना है। बराबर, स्टॉप होने के लिए भी याद है आपको पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग, उसके पीछे रुकना है, उसके आगे नहीं। तो जैसे यहाँ पे अपने पास डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक लाइन है तो उस लाइन से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ कैसा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेडेस्ट्रियन लाइन है तो आपको इस लाइन के पीछे रुकना है, इस लाइन के आगे नहीं रुकना है, क्योंकि अगर इसके आगे रुके तो ट्रैफिक हवलदार आपको चालान काट सकता है और आपको फ़ाइन लग सकता है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। और जैसे आप बाइक चला रहे हो और कार चला रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, अब जैसे आगे जा रहे हो और सडनली आपको ग्रीन से येलो दिख गया तो उस सिनेरियो में क्या करना है। तो एक या तो चीज़ अगर येलो हो गया है इसका मतलब तुरंत वो साइन इसीलिए है कि वो रेड में अभी कन्वर्ट होने वाला है, तो अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपको रुक जाना है, राइट। लेकिन अगर वो आप ग्रीन था, आप निकल रहे थे और जैसे मैंने आपको बताया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, उसको कवर कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया है और येलो हो गया है तो आपको ये चीज़ फटाक से कवर करना है आपका एरिया, जब तक रेड हो तब तक आपको आगे निकल जाना है। इस सिनेरियो में अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काटेगा तो ये वैलिड नहीं है। इस सिनेरियो में आप इस तरीके से बच सकते हो क्योंकि आप निकल रहे थे, आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया था और जो ट्रैफिक लाइट तभी येलो हुआ और आप जा सकते हो। कुछ लोग येलो होने के बाद भी निकल जाते हैं तो ये चीज़ गलत है, पर अगेन ये डिपेंड करता है कि लाइक अगर उसने ये क्रॉस कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो उसको रुकना पड़ेगा। रेड होने के बाद अगर आप निकले तो ऑफकोर्स आपका चालान कट सकता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अभी इसके बाद एक और चीज़ है कि लाइक ये तीनों कलर्स के लाइट तो रहते हैं, साथ में एक और एक्स्ट्रा ग्रीन कलर का लाइट रहता है जो कि आपको या तो लेफ्ट या तो राइट जाने के लिए बताएगा। तो उसका मतलब ये है कि आप जो सामने जाने वाला है वो रुक सकता है, लेकिन जो लेफ्ट या राइट साइड जाने वाला है वो इजीली जा सकता है वो सिनेरियो में। अब उसमें ये है कि सामने से आने वाला ट्रैफिक आप लोगों के लिए रुकेगा, ये चीज़ आपको समझ के रखना है क्योंकि आपका बत्ती ग्रीन है, आपको बता रहा है कि लेफ्ट में जाना है, तो आपको जस्ट जाना है, बस सिग्नल देना है और आपको सही तरीके से निकल देना। सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक सिग्नल पर, जब आप जाओगे तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर ऐसे जाना। तीन लेन होते हैं तो तीन लेन या दो लेन होते हैं तो दो लेन, इसमें हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप राइट लेन में चल रहे हो और आपको जाना है राइट साइड में तो आप को राइट लेन में चल रहा है, अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो आपको ये लेफ्ट लेन में चलना है, इतना चीज़ आपको समझ पे रखना है। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो बेटर है कि आप राइट साइड के जगह पे लेफ्ट साइड में रखो क्योंकि आगे से राइट लेने वाला है तो बंदा उधर रुकेगा तो आपको परेशानी होगा। तो आपको अगर स्ट्रेट जाना है तो आप लेफ्ट साइड से चले जाओ या फिर मिडल रोड से निकल जाओ। जब ऐसे चार रास्ते आते हैं तो आपको मिडल में रहना है, ये चीज़ आपको समझ के रखना है, लेन सिस्टम वाला चीज़।
ओके इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेफ़्ट और राइट का बत्ती ग्रीन है तो आप जा सकते हो। अभी इसके अलावा एक और चीज़ है कि कभी कभी येलो लाइट फ्लैश होते रहता है तो उसका क्या मीनिंग होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि येलो लाइट जब फ्लैश होते रहता है तो उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये चीज़ है कि लाइक किसी रीज़न की वजह से ट्रैफिक मूविंग है तो आपको रुकना नहीं है, आपको जैसे आना है सिग्नल के यहाँ पर स्लो होना है, आगे पीछे देखना है। अगर आपको जगह मिलता है तो आप ईजिली जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपका कोई भी ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा और ये येलो लाइन फ्लैश हो रहा है उसके लिए ऐसा चीज़ होता है। अब इसके बाद कभी कभी रेड लाइट फ्लैश होता है तो रेड लाइट फ्लैश होने का मतलब क्या होता है, तो रेड लाइट फ्लैश होने वाला या फिर कभी कभी किसी रीज़न के वजह से अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल का लाइट ही नहीं चल रहा है तो उसका मतलब है कि आपको उस जगह पर जाके स्टॉप होना है, रुकना है, आपको क्रॉस नहीं करना है, इसका मतलब स्टॉप ही होता है अगर रेड लाइट जल रहा है तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से ये चलते नहीं है तो उसके लिए वो रेड लाइट फ्लैश होता है, या फिर कभी कभी जैसे बिजली पावर नहीं रहेगा तभी भी वो लाइट आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रॉस करना है, आपको जाना है, आपको रुकना है उस जगह पे और आपको आगे के जो फर्दर इंस्ट्रक्शन होते हैं इसका ध्यान रखना। जैसे कि अगर लाइट बंद होगा या जलते रहेगा तो ट्रैफिक हवलदार वहाँ पे रहेगा, वो आपको बोलेगा जाने के लिए या रुकने के लिए एनीथिंग, जो भी हैंड साइन से अगर आप वो चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। पर पहले हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो ट्रैफिक हवलदार बोल रहा है आप जाना, आप निकल सकते हो तो इजीली आप जा सकते हो, पर आपको वो जगह पे जाके रुकना है। रुकने के लिए अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वो वाइट कलर का लाइन होता है उसके पीछे रुकना है, उसके आगे नहीं। और अगर आपका चालान कट गया तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपके ऊपर होगा। कुछ लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो वाइट लाइन जो होता है स्टार्टिंग में उसके ऊपर बराबर जाके गाड़ी खड़ा रखते हैं, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। इसके अलावा बाकी का ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा टाइम में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रैफिक सिग्नल किस तरीके से क्रॉस करना है और किस तरीके से रुकना है, ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पर जाऊँगा तब। तो आप देख रहे हो ये है रेड लाइट और यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इसके पीछे ही रहना है। जैसे ही ग्रीन हो जाए आप क्रॉस कर सकते हो, बट वेट फॉर, कुछ लोग क्रॉस करते हैं रोड, उनके लिए डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना है। जैसे अभी आप ऊपर देख रहे हो कि दो एरो बता रहा है, एक सीधा जाने के लिए और एक लेफ्ट में जाने के लिए, और ग्रीन सर्कल है सो आप मूव चल सकते हो। सो उसके पहले आई थिंक सो शायद से अगर आपको दिखता रहेगा तो येलो लाइट ब्लिंक हो रहा है आगे चल के वो वाला, तो उसका मतलब भी ये चीज़ है कि आप जा सकते हो, बस सिर्फ आपको देखना है कि कोई आ तो नहीं रहा है, दैट्स इट। आप इजीली जा सकते हो स्लो बाइक करके, दिख रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और सब चीज़ यहाँ पे दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी येलो लाइट भी ब्लिंक हो रहा है और सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल और ये सब एरिया है तो आपको अपना स्पीड स्लो करना पड़ेगा और फिर आप इजीली यहाँ से निकल सकते हो। दिख रहे हैं ये स्कूल है और इस स्किल का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इसलिए वहाँ पे येलो लाइट है, तो उसका मतलब ये है कि आपको आप जा सकते हो, आपको सिर्फ देखना है कि कोई बीच में नहीं आ रहा और फिर आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। अभी लाइक सबसे बड़ा सिग्नल तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको जब भी ब्रेक करना है तो लाइक अभी बड़ा सिग्नल आ गया है यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ कि क्या करना है। पहले तो आपको अपना बाइक ऑफ कोर्स रुकाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी बता रहा है 40 और आप ऊपर देख रहे हो वो एक लाइट है, वो कभी कभी जलता है एक साइड वाला, तो तीन लाइट है नॉर्मल यहाँ पे। अब तो यहाँ पे रुकना है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरे इसके पीछे ये क्रॉसिंग है एक और यहाँ पर भी एक लाइट है तो मैं यहाँ पर रुका हूँ। अब सेम चीज़ अगर आप देख रहे हो तो इसके बाद ये आगे जा सकते हैं, जो साइड में जाना है आपको वो साइड में रहना है। मेरे को जाना है ये साइड में तो मैं ज़्यादा ये साइड में हूँ, क्योंकि अगर मैं ये साइड में रहूँगा तो राइट साइड में तो लाइक जो भी राइट साइड में टर्न लेने वाले हैं वो लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने अपना सिग्नल भी दे दिया है और मुझे यहाँ से जाना है, तो ट्रैफिक से निकलने के टाइम पे लोग अक्सर प्रॉब्लम कर देते हैं। टेंशन मत लो, आराम से रहो, मेरे पीछे गाड़ी है, बस सिर्फ स्लो स्लो आगे बढ़ाओ। दिख रहा है हाफ क्लच और एक्सेलरेशन के साथ आप इजीली जा सकते हो। आप सिग्नल रुक जाओ जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाना चाहता है उसके लिए, और फिर अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद मैं आपको सिग्नल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यह ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे वन है, यहाँ पे दूसरा एक लेन है, वहाँ पे एक और लेन है और यहाँ पे से एक और शायद से लेन है। तो वो सामने आपको दिख रहा है वो है रेड लाइट, वहाँ से नहीं जा सकते, वो सब लोग यहाँ पे रुके होंगे। ये जो चीज़ है वो गलत है और आप यहाँ पे देख रहे हो सब लोग रुके हैं। तो लाइक जब आपको सिग्नल मिलेगा तो आप जा सकते हो, यहाँ पे फ़िलहाल रेड लाइट है और अभी शायद से आपको दिखता रहेगा बेटर वे में। तो ये पूरा ट्रैफिक सिग्नल है, ये चौरा है, आप देख सकते हो ये हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर कैडबरी कंपनी के यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर आपको पूरा बड़ा सिग्नल दिख रहा है। यहाँ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है आप जा सकते हो। येलो सिग्नल के बारे में भी मैं बता देता हूँ, अभी तुरंत येलो सिग्नल भी स्ट्रिप होने वाला है। तो अभी जैसे आप देख सक रहे हो यहाँ पर 14-17 समथिंग कुछ तो सिग्नल जस्ट छूटने वाला है। तो यहाँ से सब लोग रेडी है, आप पहले से ही हाफ क्लच देके थोड़ा सा एक्सेलरेशन जैसे रख सकते हो जिससे आप इजीली निकल जाओ। जैसे आपका सिग्नल टर्न होता है आप निकल सकते हो। इंडिया में कोई रूल फॉलो नहीं करता। देखो अभी ग्रीन होने वाला है, तो अभी लेफ्ट एरो राइट साइड से एरो है और सीधा है, तो आप निकल सकते हो। ये ग्रीन का एक टाइमिंग दिया है, अभी इतने सेकेंड के बाद एक 5 सेकेंड का गैप आएगा जिसमें येलो कलर का भी लाइट आएगा। तो इट्स वेरी नाइस अंकल, आप यहाँ पर रुक गए। और साइकिल्स पे कोई सिग्नल नहीं लगता है, तो जैसे आपको टाइम मिलता है आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। सारा क्रॉस हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे येलो कलर का लाइट आएगा, और क्रॉस करने के टाइम पे ये देखो येलो कलर का लाइट है, दिख रहा है येलो कलर का लाइट 5 सेकंड तक रखता है, फिर इसके बाद रेड लाइन आएगा। रेड लाइट पर सबको रुक जाना है, एज़ यूजुअल कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। कुछ नया सीखा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, राइड सेफ एंड बी सेफ़।